जो ये पत्थर है इसको काट के लेके गए थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि क्या वजह है जो इसमें से आवाज़ आती है। तो जिस बंदे ने इसको कट किया वो बंदा एक्सपायर कर गया, पत्थर में से वो वाला फील नहीं रहा जो इस पत्थर में से अभी आ रहा है, मतलब उससे साउंड नहीं आया। हाँ। लेकिन इसी पत्थर का हिस्सा था वो। इसी पत्थर का हिस्सा था। आज हम लोग कहीं जा रहे हैं, बहुत स्पेशल दिन है, आज बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी, जितेंद्र कुमार अग्रवाल, बहुत दिनों बाद आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग को खुजली मच रही है कि कहीं निकलें, बहुत दिन हो गए हैं। फिलहाल के लिए हम लोग अपना दिल रखने के लिए, अपना दिल को थोड़ा सा मनाने के लिए एक शॉर्ट ट्रिप कर रहे हैं। देखते रहिए आप लोग तो हमारे साथ में है ही, क्या क्या होने वाला है। और यही पत्थर तो हम लोग का इस राइड को एडवेंचर बना दिया है। इतना भी नहीं होता, एकदम निकल जाते क्लीन क्लीन तो। और इसका ग्राउंड क्लीयरेंस भी अच्छा है बे, 180 mm है। हो हम लोग अभी पहुंचे हैं तमता विरंची नंदे, बहुत बड़ा बाइकर है बे, पुराना। दिमाग का खिड़की खुल गया लग रहा है। अभी बज रहे हैं 8:19 और यहाँ से कितना किलोमीटर है विरंची मेन पार्क? 60-65 क्या नाम है आपका? अभी हम लोग जिनसे मिले सौर्य बंसल बता रहे हैं कि व्लॉग्स देखते हैं, लेकिन जब अभी मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो सब शांत भी हो गए, पता नहीं क्यों। कितना किलोमीटर होगा? 28 किलोमीटर। ये मुकेश जी हैं, रेवा गुप्ता, राहुल सिंह, राकेश अंसारी। बस थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाते हैं मेन पार्ट की हरी हरी वादियां। मेनपाट का जो एक मुख्य आकर्षण है और वो है ये कर्वी सड़क। पहाड़ चढ़ रहे हैं हम लोग, गोल 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 जलेबी की तरह ये सड़क है। कभी आप मेनपाट आते हो, अगर आप लोग बाइक पे आते हो तो इन कॉर्नर्स पे आपको बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है। तू क्या करके आ रहा है ये बता। मैं हाँ कोंटे में गया था। चलते हैं, चले आगे। मैनपाट पहुंचते ही ये माँ बंजारी देवी का मंदिर है, यहाँ पे माथा टेकेंगे, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। पंडित जी बता रहे हैं कि यहाँ पे जो बंदर अभी दिख रहे हैं वो शायद बहुत कम है, यहाँ पे 250-300-500 की मात्रा में शायद बंदर आ जाते हैं। ये टेलू होने का फायदा है, वजन कम हुआ है इसीलिए दौड़ते दौड़ते चढ़ गए और हाँफ भी नहीं रहे, और स्टेमिना बढ़ गया है। नहीं, चढ़ने का स्टेमिना काफी बढ़ गया है, मतलब थकावट नहीं रहा है। हरी ओम बेन बद्दोली राजा दानवेंद्र महाबला। आप दोनों मित्र के आने से हमको बहुत अच्छा लगा, और ये जो है सुग्रीव और राम जैसा ये मित्रता आप लोगों की सदैव बनी रहे। बहुत बहुत सारा आशीर्वाद मिला हम दोनों को। यहाँ पर से अगर आप लोग जाओगे लेफ्ट में तो आप लोगों को मिलेगा उल्टा पानी, जिस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, जिसमें ऑलमोस्ट 6 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। और सीधे जाएंगे तो मिलेगा हम लोग को टिंटिनी पत्थर, तो आज हम लोग देखेंगे टिंटिनी पत्थर। यहाँ पे छोटा सा चाय का टपरी रहता ना,
मजा आ जाता। वाह यार, घटना जन्य क्षेत्र सेल्फी लेते समय सावधान रहे भाई जीतन, बहुत सुंदर लग रहा है। हम लोग अभी टिनटिनी पत्थर से कुछ किलोमीटर पहले हैं और बहुत खूबसूरत लोकेशन मिला हम लोग को, तो फोटोग्राफी कर रहे थे बस। ये जो सड़क आ रही है ये अंबिकापुर से आ रही है, अंबिकापुर से लगभग ये 15 किलोमीटर है और मैनपाट से लगभग 35 किलोमीटर। यहाँ से हम लोग को राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है। ये अंबिकापुर का हवाई पट्टी वाला रोड है, एयरपोर्ट वाला रास्ता है। दर्शनीय स्थल थिनथिनी पत्थर। कहते भाई कोई ट्राइम्फ टाइगर वाइगर आया है भाई, दिल्ली के कुछ टूरिस्ट लोग हैं। हम लोग पहुंचे हैं अभी टिनटिनी पत्थर और जब एंट्री मारी रहे थे तो हम लोग को लगा कि यार कोई टाइगर खड़ी है, दिल्ली नंबर है। और थोड़ा यहाँ पास में आने के बाद पता चला कि ये टाइगर का छोटा भाई है, हिमालयन, कोई यूट्यूबर ही है लग रहे हैं, राइडिंग विद पीस। और ये है हमारे साहब जो दिल्ली से आए हुए हैं, सोलो राइड कर रहे हैं। सच में जब मैं छत्तीसगढ़ के नाम से निकला तो मेरे माइंड में था कि मुझे कहीं ना कहीं चिंतामणि जी मिल जाए। सच में एक वो बोलते ना कि करिश्मा होना, वो मेरे साथ यहाँ आके हो गया कि करिश्मे के साथ में खड़ा हूँ और दूसरा करिश्मा मेरे साथ में। ऐसा मत बोलिए, आपकी मिलने की चाहत बहुत तगड़ी थी होगी। मैं बस वहाँ चढ़ा था, उसको टच किया और मैंने पलट के देखा, मेरे को आरआर दिखी और मैंने डिसाइड कर लिया कि ये चिंतामणि जी है। आज तक मैं गोलू के बारे में भी सोचते हुए आ रहा था, मैं स्कूल देख रहा था, मैं शायद गोलू इसमें पढ़ता होगा, शायद गोलू इसमें पढ़ता होगा। चाचू यहाँ खड़े हैं बेटा, चलिए देखते हैं टिनटिनी पत्थर का क्या क्या करिश्मा है। कहते हैं कि पत्थर से घंटियों की आवाज आती है। ना? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बर्तन बजा रहे हैं। ये देख, ठंग ठंग का आवाज आ रहा है। यहाँ यहाँ को, यहाँ को बजा, यहाँ को बजा, इसको बजा। डिफरेंट है। तो ये तो एक करिश्मा ही है। अभी पंडित जी हमारे सैम भाई से मिले थे तो उन्होंने कुछ स्टोरी बताई है, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने ये बताया कि जो ये पत्थर है इसको काट के लेके गए थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि क्या वजह है जो इसमें से आवाज़ आती है। तो जिस बंदे ने इसको कट किया तो वो बंदा एक्सपायर कर गया और उसके बाद वो पत्थर भी डैमेज हो गया, मतलब उस पत्थर में से वो वाला फील नहीं रहा जो इस पत्थर में से अभी आ रहा है, मतलब उससे साउंड नहीं आया। हाँ। लेकिन इसी पत्थर का हिस्सा था वो। इसी पत्थर का हिस्सा था। बहुत सारे कुदरत के करिश्मे हैं, आपने यहाँ पे मैनपाट में देखा उल्टा पानी और ये टिनटिनी पत्थर। सही में मतलब पत्थर से बर्तन की तरह की आवाज आ रही है, बर्तन जैसा ठनठनाहट का आवाज है इसमें। अपने आप में ये करिश्मा ही है। मैं जब यहाँ पत्थर के इस हिस्से पे बजा रहा हूँ तो सैम भाई बता रहे हैं कि शायद उधर से ज्यादा साउंड आ रहा है, पीछे साइड से, यहाँ तक एहसास होगा आवाज का, यहाँ पे आवाज आ रहा है ना। लेकिन एक चीज है जितेन, जैसे हम लोग कुछ बर्तन वर्तन को बजाते हैं ना, जब हम लोग बजाते हैं और ऐसे टच कर देते हैं तो वो आवाज बंद हो जाती है, मतलब उसका वाइब्रेशन खत्म हो जाता है। इसको अपन बजा रहे हैं, टच भी कर रहे हैं तो इसका वाइब्रेशन खत्म नहीं होता, डिफरेंट आवाज है। एक बार टच करके देखना, तेरे हाथ में भी इसका वाइब्रेशन महसूस होगा, लेकिन वो आवाज साइलेंट नहीं कर रहा है। सही है। पत्थर कहाँ, इतना बड़ा पत्थर कहाँ से ऐसा आवाज करेगा? नहीं, करिश्मा, एक और करिश्मा मैनपाट में। अगर आप उल्टा पानी देखने आते हो तो ये करिश्मा भी जरूर देख के जाइए। और यहाँ से देख के आप अंबिकापुर जा सकते हो, मात्र 15 किलोमीटर है, दरिमा नाम का गांव है जहाँ पे आपको टिनटिनी पत्थर देखने को मिल जाएगा। अभिरूप भाई बता रहे हैं कि इधर कुछ और पत्थर हैं जहाँ से भी और टिनटिन की आवाज़ आती है, और भाई साहब बता रहे हैं कि एक स्पेशल पत्थर है जिसकी पिच काफ़ी हाई है, तो एक बार जाके वो भी चेक कर लेते हैं। ऊपर जाना है क्या? ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है। ये तो अपना छोटा सा ट्रैकिंग हो गया। यहाँ पर जो पत्थर है ये भी पत्थर से आवाज आ रही है, घंटियों की, इससे भी और शायद इससे भी। तो पहले इस पत्थर को देखते हैं कि कैसी आवाज आ रही है। अभी बहुत मटके जैसा साउंड है ये। वाह, अरे ये तो इससे तो थोड़ा दूसरा डफली टाइप का आवाज आ रहा है। इससे भी मस्त आवाज आ रहा है। कुछ है क्या? इसमें कुछ आवाज नहीं है। नहीं, आवाज है वो, लेकिन आवाज है लेकिन एक डिफरेंट ट्यून है, डिफरेंट साउंड। अबे इसमें भी है, इसमें हाँ। भी मटकी का आवाज है, इसमें जबरदस्त है साउंड। लेकिन इसमें
इसमें भी मस्त है आवाज, ये एकदम डिफरेंट आवाज है ना वास्तव में यार, पता नहीं क्या है ऐसा, ये मटकी जैसा साउंड है ना, डफली का है और ये वाला भी, उसमें साउंड नहीं है, इसमें साउंड है, इसमें कुछ, इसमें डिफरेंट ट्यून है, ट्रेबल के साथ है ये और इसमें यार क्या बात है, सही है। तो कैसा महसूस हुआ सैम? सच में ऐसा लग रहा है कि इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, बस अपनी आवाज अच्छी होनी चाहिए और यहाँ बजाओ और सुर निकालो और गाने गाते जाओ। बारी आई है नीचे उतरने की, यहाँ आना वर्थ रहा, लेकिन सफल रहा भी। हमारे घर से 100 किलोमीटर की दूरी पे ये सब करिश्मा है और अपन आज देख रहे हैं, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, वो भाई दिल्ली से हैं, दिल्ली से है। और ये देख लिया हम लोग टिनटिनी पत्थर का करिश्मा, और ये करिश्मा देखने के लिए अंबिकापुर से हमारे कुछ भाई लोग भी आए हुए हैं। आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत।